सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग सीडी केस में समन जारी कर 26 दिसंबर को पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि एक प्राइवेट टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग में सीएम रावत किसी शख्स से बात करते दिख रहे थे जिसका चेहरा साफ नहीं है। वीडियो में सीएम घूस देकर विधायकों का समर्थन हासिल करने की बात कर रहे हैं। वीडियो को कांग्रेस के 9 बागी नेताओं ने रिलीज किया था। बागी नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने घूस देकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की। रावत इस मामले में पहले भी 2 बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। 9 विधायकों द्वारा बगावत के बाद उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। अदालत के आदेश के बाद मुख्यमंत्री रावत को मार्च में विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करना था। इससे ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस के बागियों ने एक न्यूज चैनल का वीडियो स्टिंग जारी करके सनसनी मचा दी थी। वीडियो में मुख्यमंत्री कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए रिश्वत की पेशकश कर रहे थे। जिस शख्स से वह बात कर रहे थे उसका नाम उमेश शर्मा बताया जा रहा है। इसके बाद आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हरीश रावत ने सफाई दी और स्टिंग को फर्जी बता दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो पत्रकार यानी उमेश शर्मा थे उनका पेशा ही ब्लैकमेलिंग है।